फ्रेंड्स, आज ओशन ऑफ टेस्ट में बन रहा है पालक पनीर, जो कि बहुत ही टेस्टी है। अगर कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो आपका भी पालक पनीर बहुत ही टेस्टी बनेगा। इसके लिए हमने कढ़ाई रखी है, उसमें थोड़ा तेल डालते हैं। अभी तेल हमको बहुत ही कम डालना है, क्योंकि ये इसमें सिर्फ हमको पालक को गलाना है। आगे चल के आगे तेल ज़्यादा डलेगा। और हमने कुछ पालक को अपने धो के इसको एक छन्ने में रख दिया, ताकि इसका पानी निकल जाए। पालक पानी छोड़ता है, इसलिए इसमें पानी नहीं होना चाहिए। थोड़ा पानी निकल जाएगा थोड़ी देर में, और जब तक हमारा तेल भी हो गया है। अब इस तेल में हम आधे चम्मच ज़ीरा डालेंगे, और ज़ीरा डालने के बाद इसके चटकने का इंतज़ार करेंगे, ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। जब ज़ीरा चटकने लगेगा तो फ्लेम को धीमी करके इसमें अपने अपने पालक को डाल देंगे। पालक का पानी निकल चुका है, लेकिन हमें एक्स्ट्रा पानी इसमें नहीं डालना है। अभी पालक खुद ही अपना पानी छोड़ेगा और ये गल जाएगा। बस इसको हल्का सा सॉफ्ट ही करना है, क्योंकि अभी इसको आगे चल के हमको ग्राइंड भी करना है। तो पालक को इसमें हल्का सा नमक डाल के चलाते हुए दबा दबा के चला के इस पर ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगाने के बाद ही इसको 5 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे, और बिल्कुल धीमी आँच रखेंगे, ताकि इसमें से पानी छूटे और ये सॉफ्ट हो जाए। देखिए, थोड़ी ही देर में हमारा पानी छोड़ के पालक ने पानी भी छोड़ दिया है और सॉफ्ट भी हो गया है, और इसमें ज़ीरे की एक बहुत अच्छे सा फ्लेवर भी आ जाएगा। अब हम इसी पैन को खाली कर लेंगे, इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे, और इस पानी को भी नहीं वेस्ट करेंगे। इसी पानी में इस पालक को हम ग्राइंड कर लेंगे। पालक के ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं, जब तक हम उसी कढ़ाई को गैस पर चढ़ा देते हैं। अब यहाँ पर हम 4 बड़े चम्मच तेल लेते हैं। आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं, हमने रिफाइंड ऑयल लिया है, और 4 चम्मच तेल डाल देंगे। 4 चम्मच तेल डालने के बाद ही हम इसमें कुछ अपना मसाले डालेंगे। इसके लिए हमको इसकी बघार सबसे ध्यान में रखना है कि क्या डालना है। एक तेज़पत्ता लेंगे, हरा मिर्च, एक हरा मिर्च सिर्फ डालना है, और 2 इलायची डाल रहे हैं, 2 इलायची, 4 लौंग और दालचीनी। इन सबको हम तेल में डाल देंगे। तेल में डालते ही इसका इस तेल में फ्लेवर आ जाता है, एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। अब इसके बाद यहीं पे फ्लेम को धीमी करने के बाद हम अपने मसाले डालते हैं। 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। 1/2 किलो पनीर के लिए 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ठीक रहेगा, और थोड़ी सी पिसी धनिया डालेंगे। इसमें धनिया ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना टेस्ट ख़राब हो जाता है। और मिर्च 1 चम्मच डालेंगे। आप अगर मिर्च ज़्यादा पसंद करते हो तो इसको बढ़ा भी सकते हैं। 1 चम्मच नमक डाल देंगे, और नमक को अपने हिसाब से ही आप डालेंगे। 50 ग्राम गरी का बुरादा डालेंगे। सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स पालक पनीर को टेस्टी बनाने के लिए यही है। और थोड़ा सा 3 चम्मच तक बस पिसा हुआ ताल मखाना डाल देते हैं। ताल मखाने को सूखा ही पीस लेंगे तो इसका पाउडर हमको मिल जाएगा, और उसको डाल देंगे। अगर ताल मखाना और गरी का बुरादा डाल के आप पालक पनीर बनाते हैं तो इसमें बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं रहेगी, क्योंकि पालक पनीर बनाने में अक्सर कुछ कड़वा सा रहता है, जिसकी वजह से लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। 3 टमाटर हमने महीन काट लिए हैं, और इसको भी डाल देंगे। टमाटर जब हमारा मसाला अच्छे से भुन जाएगा और तेल अलग हो जाएगा तभी डालेंगे। अब इसको थोड़ा चलाते हुए इसको पका लेंगे। इसको ढक्कन बंद करके पकाएंगे, ताकि मेरे टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। टमाटर भी अपना पानी छोड़ता है, इसलिए इसमें पानी को बिल्कुल नहीं डालना। पालक ठंडे हो चुके हैं, अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। पालक इतने सॉफ्ट होते हैं कि बहुत आसानी से ग्राइंड हो जाते हैं। ये देखिए, मेरा पालक ग्राइंड हो गया, और कितना खूबसूरत सा ग्रीन कलर इसका आया है। इस तरह से गाढ़ा गाढ़ा इसको रखना है, इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना है। मेरा मसाला भून के तैयार हो चुका है, और टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें हम अपने पालक को ट्रांसफ़र कर देते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए। हाँ, एक ज़रूरी काम, जो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव में इसको शेयर करना ना भूलें। अब हम ये पालक पनीर को फिर से 5 मिनट पका लेते हैं। अभी तो हमने सिर्फ पालक ही डाला था, पनीर भी डाल देते हैं। मेरा 1/2 kg पनीर है, जिसको हमने क्यूब में काट रखा है, और इसको फ्राई नहीं करेंगे, क्योंकि पालक पनीर में कच्चा ही पनीर बहुत ही उम्दा आता है। अगर इसको फ्राई कर देंगे तो थोड़ा टाइट हो जाता है, और इसमें टेस्ट नहीं आएगा। अब पालक और पनीर को अच्छे से मिक्स करेंगे, और फिर इसको बंद करके पकने के लिए रख देंगे। अगर इस तरह आप मेरी सारी ट्रिक्स फॉलो करते हुए बनाएंगे तो आपका भी पालक पनीर कभी भी ख़राब नहीं होगा, और बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बन के तैयार होगा। अब इन पालक पनीर को हम अच्छे से घुमा घुमा के चला देंगे, और फिर इस पर ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगाने के बाद फिर इसको 5 मिनट तक बहुत ही धीमी आँच में बनाना है, ताकि पनीर में सारा फ्लेवर जज्ब हो जाए।
अब पनीर ने भी सारे फ्लेवर्स को ले लिया है और मेरा पालक पनीर बनके तैयार हो चुका है। देखिए इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं लगना और ना ही कोई ऐसे ख़ास इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हमारे किचन में ना हो। देखिए मेरा सॉफ्ट बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा पालक पनीर बनके तैयार हो चुका है। तो इसी ट्रिक को फॉलो करते हुए आप भी इसको एक बार ज़रूर बनाएं। एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने का मन चाहेगा। चलिए हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक चीज़ देख के बोलती हैं ये अब हमने